अरे युवा का उल्टा वाई होती है, वाई चलती है तो पता नहीं। आंधी तूफान आते हैं, युवाओं का समय है, चुनाव आ चुके हैं तो किसका समय है? अपने जीत की चाबी किसके पास है? अब जब एक मैसेज किया और हजारों लोग यहाँ पहुँच गए तो युवाओं की बड़ी भूमिका है, इसलिए हम कहते हैं तत्काल परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गर्मी में उस कोने में भी जो मेरा युवा साथी इसे ऐतिहासिक इस 1111 फीट के इस ज्ञापन को लेकर इस धूप में खड़े हैं, उनको धन्यवाद मेरी तरफ से, सैल्यूट। हम इस शांति बना रखो, कोई नहीं बोलेगा, मेरी बात सुनेगा। हमारी ताकत अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है जी सर। और अब मैं बोला ये आवाज वहां तक अंदर तक जा रही है, ये कल न्यूज में चला है ना विश्व रिकॉर्ड, तो ये सरकार भी संज्ञान में लेगी, इतना बड़ा ज्ञापन क्यों दिया गया है? कर्मचारी चयन बोर्ड भी संज्ञान में लेगा, इतना बड़ा ज्ञापन क्यों दिया गया है? मीडिया एक चौथा स्तंभ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन दिया गया है, तो 7 महीने से पीटीआई भर्ती का परिणाम नहीं है वो जारी हो, अध्यापक भर्ती के जो लोग हैं जो पीड़ित 48,000 का उनका परिणाम जारी हो, चाहे फायरमैन का ये भाई खड़ा है, अलग अलग भर्तियों के लोग हैं, सबका परिणाम जारी होना चाहिए और जुलाई अगस्त तक सबकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग पीटीआई का तो जून जुलाई में ही ज्वाइनिंग होनी चाहिए, राष्ट्र प्रक्रिया है। और अध्यापक भर्ती का 48,000 का फीके बिन का दो गुणा का परिणाम जारी होकर एक का होगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनका एक जुलाई अगस्त में कर दो, लेकिन जुलाई तक तो दो, पहले पीटीआई का फिर अध्यापक भर्ती का, जो हमारे फायरमैन के हो, चाहे आपने 1,00,000 भर्ती की घोषणा की, भाई 1,00,000 भर्ती की घोषणा की, ब्याह कौन सी आग में बुझाऊंगा तुम्हारी।